Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Today's topic of discussion is pigeonhole theory. In this particular video, we will be talking about which person gave this theory, who were the supporters of this theory and who criticized this theory. Along with that, we will be looking at certain landmark judgments of our Indian judicial system and many more. Now, without further ado, let's look into the PPT. So now we have moved towards the pigeonhole theory and their PPT. So the first thing is that before understanding, first we need to understand what is law of tort and law of torts. That are they the same or not? Okay. So the first thing is that word tort has been derived from the Latin term tortum, which means to twist. It connotes any wrongful act or any injury which is redressable by an action for damages at the person wronged or injured. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि tort जो पर्टिकुलर वर्ड है वो एक लैटिन टर्म tortum से और एक ग्रीक वर्ड delicit उन सभी का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम चीज़ बोली गई है दैट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कोई बंदा कोई गलत काम करता है या कोई किसी को इंजरी पहुंचाता है तो उस चीज़ को हम टॉर्ट मानेंगे जिसके सामने उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। राइटर्स एंड अथॉरिटीज ऑन टॉर्ट्स हैव एक्सप्रेस्ड डाइवर्जेंट व्यूज एज रिगार्ड्स द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ब्रांच ऑफ लॉ एंड आर्ग्यूड वेदर द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज लॉ ऑफ टॉर्ट और इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। There are two possible advances on this issue, one supported by Salmon and one supported by Winfield. पहले सबसे पहले पिजन लॉ थियरी को समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पहले समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स डिफरेंस खाली पीछे एक एस का ही है, लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या नहीं। दूसरी स्लाइड पे आते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स अकॉर्डिंग टू Salmon इट शुड बी कॉल्ड लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज There is no law of tort according to him. The liability under this branch of law arises only when the wrong is covered by any one or other nominate torts. There is a general principle of liability, and if the plaintiff can place his wrong in any of those pigeon holes, each containing label tort, he will succeed. Salmon ne ye bola hai ki supposedly pigeon holes जो कि एक जगह रहती है, ये आप ये स्लाइड में देख सकते हैं दैट कि कोई भी एक जगह के अंदर एक पिजन को हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पे दो पिजन्स दिखेंगे। Salmon ने ये बोला कि अगर जैसे यहाँ पे 9 होल्स हैं उन सभी के अंदर हम एक एक पिजन को फिट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो एक टॉर्ट है। अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉर्ट इस होल के अंदर फिट नहीं होता है तो वो एक टॉर्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है असॉल्ट, बैटरी, डेफेमेशन, तो वो तीनों के तीनों होल्स के अंदर वो कवर कर पाता है तो ही वो टॉर्ट गिना जाएगा, अदरवाइज हम ऐसा समझेंगे कि वो टॉर्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 9 पिजन्स के लिए जगह है लेकिन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दूसरा पिजन साथ में बैठा है तो वो एक टॉर्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके अंदर दो चीज़ों का मतलब दो क्वेश्चंस दिए गए थे Salmon के द्वारा। पहला आता है शुड द लॉ ऑफ टॉर्ट्स बी रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉर्ट्स दैट स्ट्रिक्टली फॉल विद इन इट्स परव्यू, कि जो भी टॉर्ट है वो खाली टॉर्ट के परव्यू के अंडर में ही स्ट्रिक्टली फॉल होने चाहिए। शुड एवरी एक्ट डीम टू बी रॉन्गफुल एंड कमिटेड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन बी क्लासीफाइड एज टॉर्ट, क्या हर एक गलत काम बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो टॉर्ट के अंदर गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। उसके बाद सपोर्टर्स की बात करें कि जिन लोगों ने पिजन होल थियोरी का सपोर्ट किया था, पहले हैं डॉक्टर जैंक्स। डॉक्टर जैंक्स सपोर्टेड दिस थियोरी एंड एक्सप्लेन दैट इट वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द कोर्ट्स फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट्स, रादर द न्यू टॉर्ट्स वुड नीड टू बेयर द सिमिलैरिटी टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। इन्होंने ऐसा बोला कि कोई भी ऐसा नया टॉर्ट बनाने में कोर्ट को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसमें खाली एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो कोई भी एग्जिस्टिंग टॉर्ट है उससे थोड़ा बहुत वो मिलता जुलता होना चाहिए। अ सिमिलर व्यू वॉज हेल्ड बाय ह्यूस्टन, ही बिलीव दैट देयर वॉज एन एरर इन इंटरप्रेटिंग दिस थियरी। Salmon नेवर इंटेंडेड टू क्लासीफाई द लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज अ क्लोज्ड एंड एक्सपेंसिबल सिस्टम,
It does not mean that the pigeonholes are not abundant and they may not be added to. इनका ये कहना है ह्यूस्टन का कि सालमन ने ऐसा नहीं बोला था कि स्पेसिफिकली अगर सपोजिवली 6 पिजन होल्स हैं या फिर 6 टॉर्ट हैं तो वो 6 ही रहने चाहिए, उससे हम उसे हम एक्सपांड नहीं कर सकते. ह्यूस्टन का व्यू ये कहता है कि 6 की जगह हम उसको 7, 8, 9, 10 तक भी लेके जा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उससे भी ज़्यादा उसको आगे लेके जा सकते हैं. फिर आते हैं डॉक्टर ग्लैनविल विलियम्स. सपोर्टेड द थियोरी एंड स्टेटेड दैट क्लासिफाइंग टॉर्ट्स इन टू पिजन होल्स शुड नॉट बी इंटरप्रिटेड एज पिजन होल्स नॉट हैविंग इनफ स्पेस फॉर ऑल रॉन्ग्स और नॉट बींग एक्सपांडेबल. इन्होंने भी ह्यूस्टन के वो को ह्यूस्टन के व्यू को सपोर्ट किया था. इन्होंने भी वही बोला कि अगर ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट करने के हिसाब से तो हम इस पर्टिकुलर पिजन होल को एक्सपांड भी कर सकते हैं. नीचे केस तो दिया गया है. इन बॉलिंगर वर्सेस कॉस्टा ब्रावा वाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1960 चैप्टर 262 जस्टिस डैंकवर्ट सेड दैट द सब्सटेंसेस वाज दैट दैट पर्सन कैन रिकवर फॉर अ लॉस व्हिच ही सफर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन्स एक्ट. इट मस्ट बी शोन दैट हिज केस फॉल्स विद इन द क्लास ऑफ एक्शनेबल रॉन्ग्स. जस्टिस डैंकवर्ट्स का ये कहना है कि कोई भी बंदा या कोई भी ऑफेंस को हम टॉर्ट मान सकते हैं लेकिन उस चीज़ को हमें एक्शनेबल रॉन्ग्स के अंदर रखना पड़ेगा. उसके बाद हम आते हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ पिजन होल थियरी. द केस ऑफ डैमनम्स इन इंजुरिया कोटेड बाय सर जॉन सालमन डू नॉट रियली सपोर्ट दिस थियरी. इट डज नॉट इन द लीस्ट फॉलो दैट बिकॉज ऑल अनजस्टिफाइबल हार्म इज टॉर्टियस ऑल हार्म इज टॉर्टियस और दैट एनी वन हु हैज हार्म्ड बाय हिज नेबर कैन गो इन टू द कोर्ट विद इन द कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ बींग अकॉर्डेड अ रेमेडी. जैसा कि डैमनम सिने इंजीनियर जो प्रिंसिपल है इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है. प्लस इसके साथ साथ हमें एक डिस्क्रिप्टिव आंसर भी हमारी वेबसाइट जो है judicialdream.com उसके ऊपर हम लोग अपलोड भी करेंगे, जो कि ये पर्टिकुलर जो लीगल मैगजीम है ये सर जॉन सालमन ने ही दिया था कि उनका खुद का दिया हुआ एक पर्सपेक्टिव उनकी थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है. उनकी डैमनम सिने इंजुरिया के थियरीज में ऐसा बोला गया है कि कोई भी चीज़ जिससे मुझे कोई भी हिसाब का डैमेज होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजरी. फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर एक पॉपुलर केस लॉ भी है एशबी वर्सेस वाइट, जिसके अंदर एशबी एक बंदा है जो वोट देने के लिए जाता है बट वाइट एक इलेक्शन ऑफिसर उसको वोट देने से रोकता है. एशबी को एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना था बट वाइट ने उसे वोट देने से मना कर दिया. अल्टीमेटली एशबी को जिस पार्टी को जिताना था जिस पार्टी को वोट करना था वो पार्टी जीत जाती है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर एशबी को कोई हिसाब से कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई है बट उसका लीगल राइट वायोलेट हुआ है. तो ये पर्टिकुलर थियरी ही इनके पिजन होल थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है. उसके बाद आते हैं विनफील्ड के व्यू के तरफ कि जिन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट को सपोर्ट किया था ना कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को. इन्होंने जनरल लायबिलिटी के बारे में बात की थी दैट ऑल इंजरीज डन टू अनदर पर्सन आर टॉर्ट्स अनलेस देयर बी सम जस्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ. हर एक इंजरी जो एक बंदे को हुई है उसको हम टॉर्ट ही मानेंगे अनलेस कोई उसके लिए स्पेशल लॉ है या उसको लॉ ने कोई स्पेशल तरीके से रिकॉग्नाइज किया है. देयरफॉर दिस थियरी कन्वेज दैट टॉर्ट्स नॉट मेरली कंसिस्ट दोज टॉर्ट्स विच हैव अक्वायर्ड स्पेसिफिक नेम्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स द वाइडर परसेप्शन दैट ऑल अनजस्टिफाइड हार्म इज टॉर्टियस. विनफील्ड के व्यू के हिसाब से हमें पिजन होल थियरी के हिसाब से नहीं चलना है. जैसे कि अगर 6 हिसाब के हमें ऑफेंसेस दे के रखे हैं टॉर्ट के अंदर तो हमें वो 6 तक ही सीमित नहीं रहना है. अगर कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट हुआ है जिसके बारे में कोई स्पेशल लॉ नहीं बना है उसको या फिर कोई लॉ ने रिकग्नाइज नहीं किया है बट फिर भी उससे किसी का लीगल राइट वायोलेट हुआ है या किसी को डैमेज हुआ है तो उसे भी हम टॉर्ट मान के ही चलेंगे. चीफ जस्टिस होल्ड इन एशबी वर्सेज वाइट, जैसा कि हमने पहले केस के बारे में बात किया, वेर यू ऑब्जर्व दैट इफ अ मैन विल मल्टीप्लाई इंजरीज एक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू फॉर एवरी मैन हु इज इंजर्ड ऑट टू हैव आर कॉम्पनसेशंस, ठीक है. फिर जस्टिस प्रैट सी ने भी बोला था दैट टॉर्ट आर इन्फिनिट वेरियस एंड नॉट लिमिटेड और कन्फर्म्ड. वंस अगेन डॉक्टर विनफील्ड की थियरी को सपोर्ट करते हुए पॉलॉक ने भी बोला था दैट न्यू टॉर्ट्स कैन अनडाउटेडली बी क्रिएटेड बाय कोर्ट्स. इलस्ट्रेटिंग हिज पॉइंट फर्दर ही स्टेटेड दैट डिसीट एज अ टॉर्ट इन प्रेजेंट फॉर्म हैज इट्स ओन ओरिजिन
फ्रॉम द डिसीजन इन पार्सली वर्सेस फ्रीमैन। यहाँ पे तीनों जस्टिस ने यही बात करी है कि कोई भी लॉ उसका पर्सपेक्टिव नैरो नहीं होना चाहिए, उसे हमें एक ब्रॉडन अंडरस्टैंडिंग में ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नए नए ऑफेंसेस को ऐड करने में हमें दिक्कतें आएंगी, प्लस बार बार हमें थियरीज को अमेंड करना पड़ेगा, लॉज को अमेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं, द कोर्ट्स हैव एक्सप्लिसिटली और सिंप्लिसिटली सेट असाइड द पिजन होल थियरी प्रोपाउंडेड बाय साल्मन ड्यू टू इट्स कन्फाइनिंग नेचर। देर इज नो स्कोप टू इनकॉर्पोरेट और क्रिएट न्यू टॉट्स। द प्लेंटिफ वुड फर्दर सफर एज ही वुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ हैविंग अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डोर इन कोर्ट लॉ। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सपोजिवली हम साल्मन की थियरी को थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले कि वो थियरी सही है, अगर कल उठ के किसी बंदे के साथ कोई गलत हुआ, उस चीज के बारे में कोई स्पेशल लॉ का रिकग्निशन नहीं है, उसका टॉट के अंदर कोई मेंशनिंग नहीं हुआ है, तो वो बंदे का राइट तो वायोलेट होगा ही होगा, प्लस वो बंदा कोर्ट भी नहीं जा सकता बिकॉज टेक्निकली उसके सामने उसको कोई रेमेडी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहां कहीं कुछ लिखा नहीं है। इफ वी गो बाय द पिजन होल थियरी, इट वुड बी डिफिकल्ट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क दैट नीड्स टू बी फॉर्म्यूलेटेड ऑन एन अर्जेंट बेसिस वुड बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट द रॉन्ग हैज नॉट बिन रिकग्नाइज। यहाँ पे भी सेम चीज बोला गया है कि अगर वो पर्टिकुलर रॉन्ग को हम लीगली रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो उसके सामने हम अपील के प्रोविजन्स या कोई भी रेमेडी हम दे नहीं पाएंगे। उसके आते हैं विनफील्ड के अंदर, एंड इन इन्फ्लुएंशियल लीगल स्कॉलर रेफर टू टॉट्स एज टॉर्टियस लॉ, लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी टुवर्ड्स द पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज अ रीएड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ पे इन्होंने टॉर्ट की डेफिनेशन को दोबारा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसमें बोला गया कि टॉर्ट एक ऐसी लायबिलिटी है अगर कोई बंदा किसी भी ड्यूटी को ब्रीच करता है जो फिक्स्ड बाय लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड ने वो चीज़ फिक्स करके रखी है कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अगर कोई बंदा उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, उसके सामने जिसका राइट वायोलेट हुआ उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे करने पड़ेंगे जो कि कोर्ट डिसाइड करेगी। ही इंटरप्रेटेड टॉर्ट एज एन इंजरी कॉज टू अनदर इंडिविजुअल विथ नो जस्टिफिकेशन बाय प्री एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द लैंड। ही बिलीव्ड इन अ सिंगल कैटेगरी ऑफ टॉर्ट विच वुड अकोमोडेट न्यूअर टॉर्ट्स एज वेल एज अनलाइक साल्मन्स थियरी एंड एस्टैब्लिश अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ की बात करी, बट साथ में उन्होंने ये भी बोला कि एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी भी होना चाहिए। द रेमेडी वुड बी गिवन टू द अनआइडेंटिफाइड रॉन्ग्स एज वेल। कोई भी ऐसी चीज़ अगर प्री डिफाइंड नहीं है तो फिर भी उसके लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग से एक जजमेंट देना होगा और साथ में उसको रेमेडीज भी देनी पड़ेगी। ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स में भी देख चुके हैं। ब्रिटेन के अंदर जब किसी चीज़ के ऊपर लॉ नहीं होता है तो हम कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स क्या होता है कि जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल, इन सभी चीज़ों को यूज करके एक प्रॉपर जजमेंट, एक फेयर जजमेंट अनाउंस करना, जस्ट सो दैट कि जिसके साथ कुछ भी रॉन्ग हुआ है, जो भले ही अनआइडेंटिफाइड है, फिर भी उसको रेमेडीज मिलनी चाहिए। एज अपोज टू साल्मंड, विनफील्ड्स थियरी ऑल्सो सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इन एशबी वर्सेज वाइट वंस अगेन, ये केस यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, स्टेटेड दैट इफ अ मैन हैज मल्टीपल इंजरीज द एक्शंस दैट कैन बी टेकन मस्ट बी मल्टीपल्ड एज वेल सिंस एवरी इंजर्ड मैन हैज द राइट टू कॉम्पनसेशन। ये सेम व्यू को हमारे जस्टिस भगवती ने एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर भी लिया गया था, दैट देर इज अ नीड टू इवॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड ले डाउन नॉर्म्स एड्रेसिंग न्यूअर इशूज अराइजिंग फ्रॉम अ हैवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। The understanding and the thinking of the courts must not be restrained and new jurisprudence must be created. Justice Bhagwati का भी यही कहना है that जैसे जैसे as a human being हम लोग evolve होते जा रहे हैं, in the same way हमें हमारे laws, rules and regulations को भी update करना पड़ेगा, otherwise जितने भी ये पुराने laws हैं या पुराने punishments हैं वो आज की तारीख के अंदर ज़रा भी useful नहीं रहेगी। Therefore, we can observe that Winfield's theory was quite broad and it was a total opposite of what Salmond has proposed. It was widely accepted by the courts of law implicitly. ये पर्टिकुलर चीज को हर एक जज ने एक्सेप्ट किया कि सालमंड का व्यू काफी नैरो माइंडेड था, एंड अपोजिंग टू डैट विनफील्ड का व्यू एक काफी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा था कि जो कि हम लोग
वाइडली उसको एक्सेप्ट भी कर सकते थे. हाउ एवर अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय विनफील्ड वेर इन ही स्टेटेड दैट सालमन्स थियरी वुड सफाइस टू प्रोवाइड अ नैरोअर लुक इन सिमिलर मैनर टू हाउ अ ट्री इज ट्रीटेड इन इनएनिमेट फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग अ क्रैश बट वुड बी क्लासिफाइड एज एनिमेट बिकॉज इट हैज अ ग्रोन फ्रॉम अ सैपलिंग एंड कंटिन्यूअस टू ग्रो. ये एक एग्जाम्पल के द्वारा विनफील्ड ने समझाया गया था कि सालमन की थियरी क्या है और उसके अंदर वो नैरो और लुक कैसे आ रहा है. कंक्लूजन, द पिजन होल थियरी माइट हैव बिन रेलिवेंट इन द पर्टिकुलर टाइम जब सालमन ने वो चीज़ को बनाया गया था, तब वो चीज़ रेलिवेंट हो सकती है. बट विद द एक्सपांडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड्स इट फाइंड्स नो रूम इन द कोड्स ऑफ लॉ टूडे. एंड ये बात सही भी है, हम आज की तारीख में ये पर्टिकुलर चीज़ को अगर देखें भी तो ये कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा. द डिबेट अराउंड टॉर्ट एंड टॉर्ट्स इज एंडलेस बट द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात स्टेटेड दैट इट इज अनथिंकेबल टू लिमिट द लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंसिडरिंग दैट इट इज स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेजेस. पर्टिकुलरली लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, इट इज एन अनकोडिफाइड लॉ. इस चीज़ को हम रूल्स एंड रेगुलेशन से या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट से और एक कंसेप्चुअल थियरी से ही डेवलप कर सकते हैं. जस्टिस ने भी यही कहा था इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स को पर्टिकुलरली नैरो करना एक अच्छी बात नहीं रहेगी. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू. एंड आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारी वेबसाइट जुडिशियल ड्रीम के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है. उसके साथ साथ आपको कोई क्वेश्चन पोस्ट करना है तो वहाँ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिल जाएगा एंड कुछ MCQs भी मिल जाएगा जिससे आप खुद का एक मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं. Once again, I thank you all. Thank you very much.